नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज का हमारा पार्ट है 119 यानी कि 119। और आज हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है ट्रिपल बारबा मेरिडियन का 15 नंबर पॉइंट। तो पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या है उसका एक डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारी बॉडी है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस बोन होगी और ये हमारी स्कैपुला होगी। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से बोन बनी हुई होती है, एक्चुअल तो बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्कैपुला होती है इसके बिल्कुल ये कॉर्नर पे यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, TW15। ठीक है, और ये होता क्या है, हमारी ट्रिपल सर्वाइकल C7 और T1 के बीच में। ठीक है, उसके बीच में पॉइंट पड़ता है क्योंकि हमारी ये स्पाइन भी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये स्पाइन है तो साइड में स्कैपुला के ऊपर और C7 और T1 के बीच में ये पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारी ये C7 है और ये T1 है। ठीक है, तो इनके बीच से जब निकलेंगे अगर तो स्कैपुला के कॉर्नर के ऊपर ही ये पॉइंट पड़ेगा हमारा TW15। ठीक है, TW15 पॉइंट की लोकेशन होगी। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, इसे क्या क्या प्रॉब्लम ठीक होती है, क्या क्या लोग इसे ठीक होते हैं। तो नंबर वन, सबसे पहले कलाई दर्द, अगर किसी को कलाई में दर्द है, कलाई में दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम इससे ठीक करेंगे। ठीक है, रिस्ट पेन। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, सीटीएस अगर किसी को प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होगी। ठीक है, नंबर दो, कोहनी दर्द, टेनिस एल्बो पेन। ठीक है, एल्बो पेन। ठीक है, उसके बाद में कंधा दर्द यानी शोल्डर पेन। ये अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, आप इन पॉइंटों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो हर एक घर में नहीं है, तो दो चार घर छोड़ के चौथे पांचवें पर्सन को किसी ना किसी को प्रॉब्लम है, कलाई दर्द, कोहनी दर्द, कंधा दर्द, हर किसी को मतलब ये फैलती जा रही है प्रॉब्लम, मतलब 10 में से 2-3 लोगों को ये प्रॉब्लम है आज के टाइम में। तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं अगर किसी को भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कलाई दर्द, रिस्ट पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम, कोहनी दर्द, टेनिस एल्बो पेन, कंधा दर्द, शोल्डर पेन। तो अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो आप ये TW15 पॉइंट बता सकते हैं। अब ये इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको, ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, जो हमारी ये पॉइंट है TW15 उस पर आप क्या करेंगे, अपने हाथ के फिंगर रखेंगे ऐसे, खुद से ट्रीटमेंट करेंगे, किसी की हेल्प भी लेंगे, उस पॉइंट पे 15-20 सेकंड प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, हर एक घंटे में या 2 घंटे में आप उस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे दिन में आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे और रात में आप क्या करेंगे, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, रात में हम एक पेपर टेप में इस तरह की स्टार मैग्नेट, क्लस्टर स्टार मैग्नेट जो मल्टीपल होती है वो लगाएंगे और ये जो पॉइंट है TW15 इस पॉइंट पे लगा देंगे, तो पूरी रात ये लगा रहेगा, सर्कुलेशन आपका चलता रहेगा, इम्प्रूव रहेगा, तो आपकी बॉडी में एक सर्कुलेशन अच्छा चलता रहेगा, इस पॉइंट की एनर्जी जो है वो बढ़ने लगेगी, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेगी, रिवर्स होने लगेगी। तो आप देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम डे बाई डे बेटर होती जा रही है, क्योंकि इन प्रॉब्लम का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ मेडिसिन वगैरह में कोई ऐसा बेनिफिट नहीं, कोई अच्छी एक्सरसाइज मिल जाए आपको, अच्छा एक्यूप्रेशर डॉक्टर मिल जाए तो ये जल्दी से ठीक होती है, और इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको पेन किलर दे दी जाएंगी कुछ टाइम के लिए, उससे रिलीफ आपको लगता रहेगा, आपको लगेगा मैं ठीक हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। इनको प्रॉपर ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पेन किलर लेके आप क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, आपको तो लगेगा दर्द नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, तो इसको प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, आप ये पॉइंट से ट्रीटमेंट कीजिए या किसी अच्छे एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये सभी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट है TW15। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे अपने नए पॉइंट के साथ में, जो हमारा पॉइंट होगा ट्रिपल बारबा का 60 नंबर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।